हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग का जैसे फादर डे मदर डे होता है, आज हम लोग का दामादों का डे है। और उन लोग को जितने सन इन लॉ है उनको अच्छी तरह से आदर पूर्वक खिलाया जाता है, हर तरह का वैरायटी खाना। तो आज मेरे घर में मैंने आज ओकेजन है, मेरे दामाद तो है नहीं लेकिन मैं थोड़ा सा मना रही हूँ। ओके, इस तरह से देखिए, इस तरह के फल फ्रूट दे करके, फल फ्रूट मिठाई वगैरह सब कुछ दे करके मैं इस तरह से मना रही हूँ। घर में जितने भी लोग हैं आपस में खाऊंगी। ये छठ होता है हम लोग का, बच्चों के लिए भी किया जाता है, मैंने बच्चों के लिए ही किया है। दामाद तो मेरे हैं नहीं, मेरे दो बेटे हैं तो बहू बच्चे बच्चे हैं उनके, तो इसी के लिए मैं इस तरह से थोड़ा सा उनके लिए फ्राइड राइस और ये पतला कलिया और इस तरह से मिठाई, आम लीची सब कुछ बहुत तरह का फल दे करके उसका बहुत स्वागत किया जाता है, आदर पूर्वक खिलाया जाता है। ये एक जनरेशन है, ये एक माँ बेटे का जैसे आपस में जैसे बंधन एक अच्छा मजबूत हो, इसीलिए इसको किया जाता है। ये कुछ नहीं है तो प्यार का रिश्ता है ये दामाद और सास का, तो ये इसी तरह से हम लोग मनाते हैं। तो इस आज दामादों का डे है, जैसे मदर डे फादर डे सिस्टर डे सब कुछ होता है, तो ये हम लोग का दामादों का डे है आज। ओके, तो इस तरह से मैंने मनाया है, देख लीजिएगा आप। ओके, अगले रेसिपी पे फिर बनाऊंगी मिक्स वेज फ्राइड राइस। ओके, हेलो दोस्तों, मैं माला झड़जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ वेज फ्राइड राइस के संग कतला कलिया। ओके, आज स्पेशल डे है हम लोग का, दामाद लोगों का षष्ठी होता है, वही चीज़ है आज। तो आज मैं स्पेशल कुछ बना रही हूँ, देख लीजिए। ओके, तो अब इसमें मैं ऑन करूँगी, पहले ऑन कर दिया। ओके, वेज फ्राइड राइस कर रही हूँ। इसके लिए 2 चम्मच मैंने 1.5 कप चावल लिया है और मैं कुछ वेजिटेबल दे रही हूँ, देख लीजिए। पहले देख लीजिए, मटर पहले फ्राई करके रखा है थोड़ा, ये गाजर थोड़ा फ्राई करके रखा, ये बीन्स है और ये फूल गोभी है, मतलब ये कॉलीफ्लावर। ओके, इसको मैं वेज में डालूंगी। और इधर पानी चढ़ा के रखा है, 1.5 कप चावल लिया है मैंने और इसके लिए मैंने 3 कप पानी को गर्म करने को दे दिया है। ये बासमती चावल लिया है मैंने, देखिए ये 1.5 कप है। ओके, एकदम माप से लिया है, 1.5 कप चावल और 3 कप पानी। ओके, देख लीजिए अब ये आ रहा है मेरा, ये देखिए, इसमें 1.5 चम्मच मैं घी डालूंगी। ये 1.5 चम्मच घी गया, चावल को मैं हटा लेती हूँ तो आपको आराम से दिख जाएगा। ओ ये ठीक है। अब इसमें मैं तेज पत्ता डालूंगी, 2 तेज पत्ता, 2-3 तेज पत्ता डाल रही हूँ। और ये हरी इलायची को मैंने बीच से वो छिल लिया है, देख लीजिए दाने हैं इसमें, छिल के ले लिया। अब इसको जरा अब इसमें 1 चम्मच मैं अदरक डालूंगी, पेस्ट, अदरक का पेस्ट है। चावल को मैं जरा फ्राई कर लूंगी,
तेज गैस में रसा फ्राई कर लूंगी। अब 1/3 टीस्पून जाएगा मेरा ये नमक, 1/3 टीस्पून ये चीनी जाएगा, 3 टीस्पून जाएगा इसमें चीनी। नाम मात्र हल्दी बस, और ये गरम पानी जाएगा, 3 कप गरम पानी। दो हरी मिर्च दे दूंगी, दो हरी मिर्च, बस। थोड़ी देर के बाद अब मैं को कवर कर दूंगी, थोड़ी देर के बाद आके करूँ वेजिटेबल दे देंगे, क्योंकि मैंने इसको फ्राई किया हुआ है टोटली, नहीं तो हाफ फ्राई तो हुआ ही है ना, तो थोड़ी देर बाद दूंगी। ओके, तब तक मैं इसको कवर कर देती हूँ। बस थोड़ी देर बाद मैं आ रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब मैं इसमें इसको डाल दे रही हूँ धीरे से। कवर कर दूंगी। ओके, ये देखिए दोस्तों मेरा हो गया है कंप्लीट पूरा। अब इसको मैं डिश आउट करूंगी। ओके, देख लीजिए ये मेरा है मिक्स वेज फ्राइड राइस जमाई षष्ठी स्पेशल।